हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्स्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस करेंगे एक एल्गोरिथम की लीनियर सर्च के। इस एल्गोरिथम को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए लिखा हुआ है और उसको समझाया भी हुआ है। इसकी एनालिसिस रह गई थी तो इसकी आज हम एनालाइज करेंगे। तो इसमें देखिए ये एल्गोरिथम क्या कर रही है। ये एल्गोरिथम ये कर रही है कि हमारे पास एक एरे दी हुई है। हमारे पास एक मान लीजिए एरे दिया हुआ है जिसका नाम है डाटा, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स या डेटा वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ऐसे करके ये, अब मान लीजिए ये 1 2 3 ऐसे कर 4 ऐसे करके ये एन एलिमेंट्स की एरे दी हुई है। और हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, और वो पर्टिकुलर वैल्यू किस में है, आइटम आइटम में कोई वैल्यू दी हुई है। सपोज कीजिए ऐसे हम आपको समझाने के लिख दें, मान लीजिए इसमें कोई नंबर स्टोर है। से हमने कहा रैंडम 17 है, 2 है, 48 है, 30, ऐसे रैंडमली कोई नंबर स्टोर कर दिए, से 50 है इस तरह से। अब आइटम में मान लीजिए उसने दे दिया से 48, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू को सर्च करना है और उसकी लोकेशन बतानी है कि एरे में कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 48 है 3 पे, तो हमें ये बता, ये लास्ट टाइम जो आपने लिखा ना LOC इज द लोकेशन ऑफ आइटम, तो हमारे पास LOC में 3 आ जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं 48 को जाए, हमने कहा से कोई और वैल्यू, हमने कहा से हमें 59 सर्च करना है, और वो 59 पूरे एरे में कहीं नहीं है, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाए कि आइटम इज नॉट इन द एरे डेटा। तो इसी चीज का ये हमने एल्गोरिथम बनाया हुआ है। इसको हमने डीपली जो है डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में। तो जिन स्टूडेंट्स ने उसको नहीं रेफर किया हो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एल्गोरिथम डेवलप करना आ जाए। उसके बाद आज तो हम इसके बाद की कार्रवाई बता रहे हैं, इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो देखिए, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्च एल्गोरिथम इज गिवेन बाई द नंबर सी ऑफ कंपेरिजन बिटवीन आइटम एंड डाटा के, ठीक है। तो जो इस तरह के सर्च एल्गोरिथम, ये जो क्या है, ये लीनियर सर्च हो रहा है यहाँ पे ना, तो जो सर्च एल्गोरिथम होती है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कंपेरिजन बिटवीन आइटम एंड डाटा के एलिमेंट। भाई एक बार 48 को इससे सर्च कर कंपेयर करेंगे, फिर 48 को 2 से करेंगे, फिर इससे करेंगे, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ कंपेरिजन पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए इसको हम CN से दिखाते हैं, तो हम दोनों केस डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्या लिया, पहले हमने मान लीजिए लिया वर्स्ट केस। ये हमने कहा वर्स्ट केस एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सॉरी, क्लियरली द वर्स्ट केस अकर्स व्हेन आइटम इज द लास्ट एलिमेंट इन द एरे डेटा और इज नॉट देयर एट ऑल। तो वर्स्ट केस क्या होगा कि या तो जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं या तो वो लास्ट एलिमेंट हो, ठीक है, या एरे में हो ही ना, एरे डज नॉट कंटेन आइटम। यही दो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन है इसमें, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम शो करेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी सीधा सीधा CN, सी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, एन इज द इनपुट डेटा साइज, ये इज इक्वल टू आ जाएगा एन, ठीक है। तो यानी कि ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई लीनियर सर्च एल्गोरिथम की। भाई जितने एलिमेंट है हमें सबको कंपेयर करना पड़ गया, तो होगा क्या उसमें कि बहुत होगा। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि लास्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिसको हम ढूंढ रहे थे, तो भी CN इक्वल टू एन आएगा। और अगर हम लास्ट एलिमेंट तक ढूंढ गए और तब भी नहीं मिला तो हम ये मैसेज दे देंगे कि साहब एलिमेंट जो है एरे में नहीं है। तो दोनों ही केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस एल्गोरिथम की वो CN इक्वल टू एन आएगी, वेयर एन इज द इनपुट डेटा साइज, ठीक। अब इसमें आप आ जाइए, इसी का अगर हम एवरेज केस एनालिसिस करेंगे इसी एल्गोरिथम के लिए तो उसमें क्या होगा। तो देखिए अब इसको हम लिखते हैं एवरेज केस एनालिसिस।
एवरेज केस एनालिसिस में क्या होगा कि हियर वी अज्यूम दैट आइटम डज नॉट डज अपीयर इन डेटा एंड दैट इज इक्वली लाइकली टू अकर एट एनी पोजिशन इन द एरे। मतलब इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो आइटम है हमारा जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो ये आइटम जो है हमारा वो एरे के अंदर प्रेजेंट है, ये डेटा वैल्यू एरे के अंदर प्रेजेंट है। और अब वो पहला एलिमेंट है कि दूसरा एलिमेंट है कि तीसरा है कि nth है, इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वली लाइकली। मतलब उसमें हम कुछ बता नहीं सकते, वो पहला एलिमेंट भी हो सकता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, लास्ट भी, सेकंड लास्ट भी, कुछ भी। तो इस तरह के केसेस में क्या करेंगे हम कि अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजन कैन बी एनी ऑफ द नंबर। भाई पहले एक कंपैरिजन किया हमने उसी में हमको रिजल्ट मिल गया, फिर ये भी हो सकता है कि दूसरे एलिमेंट पर पहुंचे दो कंपेयर के बाद हमको मिल जाएगा, फिर तीन कंपेयर के बाद हो सकता है मिल जाए, हो सकता है टोटल करते जाए हमारे पास हमको एन कंपैरिजन करना पड़े तब जाके मिले वो। और एंड ईच नंबर अकर्स विद प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू वन बाई एन, और हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1/n। ठीक है, क्योंकि अभी हमने लिखा था ना कि किसी भी पोजीशन पे आइटम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली मतलब अगर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एट फर्स्ट पोजीशन इज 1/n, प्रोबेबिलिटी बीइंग एट द सेकंड पोजीशन इज अगेन 1/n, थर्ड पोजीशन पे होने की अगेन 1/n एंड सो ऑन। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/1, 1/n, 1/n ऐसे ही इसकी भी 1/n। ठीक, तो अब अगर इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे cn तो वो क्या हो जाएगा 1 into, कल हमने फार्मूला बताया था कल वाले लेक्चर में, एलिमेंट वैल्यू हो गई इंटू प्रॉबलिटी हो गई, फिर 2 into 1/n, फिर 3 into 1/n एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब इसको सम करना है तो हम क्या करते हैं, ये हो गया 1 + 2 + 3 + up to n इंटू 1/n। अब इसका जो सम होता है ये हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, अगर इसको हम ए पी भी मान लें तो भी निकल आएगा, और वैसे भी डायरेक्ट भी आप लोगों ने इंटर अप टू 10+2 लेवल मैथ में पढ़ा होगा, ये इसका आ जाएगा सम n इंटू n प्लस 1/2 और इंटू 1/n, यानी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ गई, n से n कैंसिल कर दीजिए, n प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एग्रीज विद आवर इंट्यूटिव फीलिंग दैट द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आइटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डाटा लिस्ट। यानी कॉम्प्लेक्सिटी जो आ गई दैट इज इक्वल टू n प्लस 1/2, और n क्या है, इनपुट डाटा साइज, ये हम कई बार बता भी चुके हैं आपको, n इज द इनपुट डेटा साइज। और मान लीजिए हमने कहा कि टोटल उसके अंदर से हमने कहा 50 एलिमेंट है, तो cn कितना आ जाएगा, 50 + 1/2, मतलब करीब करीब 25.5। तो यानी कि हमें जो नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़ेगा वो करीब करीब 25 कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वही वो कह रहा है कि इन दिस केस, ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा लिस्ट। तो ये हो गया आपका एवरेज केस एनालिसिस। तो इसी तरह किसी भी एल्गोरिथम की वर्स्ट केस एनालिसिस कर सकते हैं और एवरेज केस एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स है नोट करने के लिए या इम्पॉर्टेंट है वो आप देखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिथम इज यूजुअली मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज देन दैट ऑफ वर्स्ट केस। क्योंकि अब जैसे हम यहाँ पे आप ये क्या कहना है, वर्स्ट केस में हम लिखे तो हमारा सीधा सीधा क्या आ रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी सी एन इक्वल टू हमारा आ रहा था एन, और यहाँ एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, सी एन इक्वल टू एन प्लस 1/2। ठीक,
तो पहली चीज तो ये है आपका कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिथम इज यूजुअली मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज देन दैट ऑफ वर्स्ट केस। हाउएवर द प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट वन अज्यूम्स फॉर द एवरेज केस मे नॉट एक्चुअली अप्लाई टू रियल सिचुएशन। मतलब एवरेज केस के लिए जो हमने प्रोबेबिलिटी अभी भी मान लिया था कि इक्वली लाइकली, ठीक है, तो रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अनलेस अदरवाइज स्टेटेड और इम्प्लाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि अनटिल अनलेस की अलग से बताया ना गया हो या इम्प्लाई ना किया गया हो, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम शैल मीन द फंक्शन विच गिव्स द रनिंग टाइम ऑफ द वर्स्ट केस इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज। तो या तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिटी अलग से ही मेंशन किया गया है, इसका स्टेटमेंट दिया गया है या इम्प्लाई किया गया, तो अलग बात है। अदरवाइज सीधा सीधा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम मतलब कि द एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम मीन्स द फंक्शन विच गिव्स द रनिंग टाइम ऑफ द वर्स्ट केस इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज, ठीक। तो एक तरह से ये कहलाती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब किसी भी एल्गोरिथम की अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी बतानी हो तो हम क्या करेंगे कि एवरेज केस एनालिसिस में, या एवरेज केस में मान लिया आपका ज्यादा आ जाएगा, वर्स्ट केस समझ लीजिए, उसमें क्या करेंगे हम कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम शैल मीन द फंक्शन बी गिव्स द रनिंग टाइम ऑफ द वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस एनालिसिस में, वर्स्ट केस एनालिसिस में जो रनिंग टाइम आएगा, और किसकी टर्म में आएगा रनिंग टाइम, इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, ठीक है, वही उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। मतलब किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वर्स्ट केस में उसका क्या रनिंग टाइम लग रहा है, और वो रनिंग टाइम किस में होगा, इनपुट डेटा साइज के टर्म्स में, यानी एन के टर्म्स में, ठीक है। हालांकि ये कोई, दिस इज नॉट ए टू स्ट्रॉन्ग एन अजम्पशन सिंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस फॉर मेनी एल्गोरिथम इज प्रोपोर्शनल टू द वर्स्ट केस। तो कुछ कुछ एल्गोरिथम में आप देखेंगे कि जो एवरेज केस की एनालिसिस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वर्स्ट केस एनालिसिस। तो इस मतलब इन जनरल, या ये कहिए कि इसको माना जा सकता है कि वर्स्ट केस में जो रनिंग टाइम है इनपुट डाटा साइज की टर्म में, वो उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। लेकिन कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जिसमें जो एवरेज केस एनालिसिस है वो प्रोपोर्शनल होता है किससे, वर्स्ट केस एनालिसिस के रनिंग टाइम से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करनी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि वर्स्ट केस एनालिसिस और एवरेज केस एनालिसिस कैसे करते हैं किसी एल्गोरिथम की, और उस एनालिसिस का एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्सिटी से क्या रिलेशन होता है। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई हो, कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। और कोई और टॉपिक या कोई प्रॉब्लम हो, या पीछे कोई लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूज़न हो, तो वो भी आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।